ग्राई कर रहा हूं। मैं ग्राई कर रहा हूं। बस जी, क्या कर रहे हो जी? तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपके साथ हूँ एक और नए व्लॉग के साथ। और हम जा रहे हैं टेंच बाज़ार, कुछ चीज़ें खरीदी थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लूँ। ये रास्ता टेंच की तरफ जाता है, लेकिन हम बीच में से शॉर्टकट निकलेंगे क्योंकि उस रोड पे बहुत रश होता है जो मेन रोड टेंच की तरफ जाती है, आखिरी स्टॉप की तरफ। एक तरफ 22 नंबर है, दूसरी तरफ आखिरी स्टॉप है। ये बीच में एक कॉलेज आता है, एलिमेंट्री कॉलेज है ये। तो बासित और माइल को नानी के साथ, नानी के पास घर छोड़ के आए हैं। मैंने कहा आप लोगों के साथ वीडियो बना लो, एक व्लॉग बनाऊँ, शेयर करूँ। मेरी व्लॉग को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे एक नया क्लिनिक खुल रहा है, तो मैं हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी कि अपने एक बेटे को ज़रूर डॉक्टर बनाएंगे ताकि क्लिनिक तो बना सके। और आपको पता आजकल डॉक्टर और स्कूल वाले स्टूडेंट और मरीज़ों को ऐसे लेते हैं जैसे कि एक कस्टमर है। ये है बर्ड्स की शॉप, और ये है इधर से ना होलसेल के बिस्किट्स और इस तरह की चीज़ें खरीदते हैं। और हम आ गए हैं इधर सब्ज़ी वाले के पास, सब्ज़ी खरीदने के लिए। एक वाटरमेलन ख़रीदा है, उससे मैंने कहा टक लगाओ। इन्होंने ना अपनी एक जगह फिक्स की होती है कि हम यहाँ से टक लगाएंगे, लेकिन मैंने उसको कहा तुम अपोजिट साइड से टक लगाओ, जिससे उसका काफ़ी मूड भी बन गया भाई, इसने मेरा टक लगवा दिया। लेकिन उसको भी फ़ायदा हो गया, हमें भी, लेकिन वो लाल निकला। वही बासे वाली बात, दाना दाना लाल है। सब्ज़ी ख़रीदी है, सब्ज़ी भी इतनी महंगाई हो चुकी है इमरान खान की वजह से, आपको पता है जो मुल्क के हालात रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं मैं और बासे पैदल चढ़ के, क्योंकि हस्बैंड गए हैं, बाइक का टायर पंचर हो गया था, वो पंचर लगवाने गया। मैं और बासे चल के जा रहे हैं आगे की तरफ, और बासे कह रहे हैं पीछे से बाइक आ रहा है, बाइक पीछे से आ रहा है, तुम आगे चलो, शोर क्यों कर रहे हो इतना। ये हम चल के जा रहे हैं, ये देखो बासे, ये देखो मिट्टी वाले बर्तन। पहले हम लोग बचपन में ऐसे गुड लक मिट्टी के लिया करते थे, उसको फुल करते थे और ख़ुद ही तोड़ के ना सिक्के सिक्के निकाल के खुश हो जाया करते थे। अब काम वो वक्त रहे हैं, अब तो अगर कोई गुड लक बनाओ भी तो कभी माएँ ऐसी होती हैं यूज़ कर देती, कभी पापा ऐसे होते हैं यूज़ कर देते हैं। चले जी, हम पहुँच गए हैं जी टेंच में, मेन टेंच बाज़ार में। तो अब पहले जाते हैं लेफ़्ट तरफ, तो ना देखा इसलिए ना, इधर बंदा गाड़ी लेके ना है। बासित क्या देख रहे हो, इधर आओ आगे, चलो उस तरफ चलते हैं, पहले थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं। तब तक हस्बैंड बाइक को पंचर लगवा लेंगे। तो ये अब ये देखिए टमाटर वाली रेडी है, खरबूजा है, ये कितना प्यारा सूट लगा हुआ है। और बासे इससे पूछे इसकी क्या प्राइस है, विंडो शॉपिंग ही कर लेते हैं, कुछ और तो है नहीं। ये देखे जूतियाँ लगी हुई हैं, ये वाला पीच कलर ड्रेस मुझे अच्छा लग रहा था भाई। इसकी क्या प्राइस है, 45,000 बोल रहा है वो, काफ़ी अच्छा है, पीच कलर है ना। नेट का एक और सामने लटका हुआ है येलो कलर का, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। शॉपकीपर देख रहा है, वीडियो बना रही है, तो इस तरह अच्छा भी नहीं होता। ये वाला येलो कलर का ना, ये कॉटन में और गेंदा, और गेंदा या कॉटन है, कॉटन है, और गेंदा भी मिल जाएगा। शॉपकीपर कहता है कॉटन में और गेंदा में भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के ये देखने शुरू हो जाऊँ, और फिर थोड़ा सा आगे भी फेर लेते हैं बासित के साथ। हूँ मैंने के शूज़ इसने लगाए हुए, टेंच में इस तरह के ना शूज़ मिल जाते हैं 350 के 400 के ना, लेकिन हम लेते नहीं हैं इनसे, ये रिलायबल नहीं होते, टूट जाते हैं। ये देखो इसके पास भी अच्छे, तो ये टेंच में ना अच्छे मिल जाते हैं। ये कलर कितना प्यारा है, थ्रेड की हुई भी है, ये भी अच्छा लग रहा है। इसे पूछती हूँ कितने का भाई, इसकी क्या प्राइस है। अच्छा 4600। अच्छा और भी कलर्स हैं इसमें, लेकिन ये कलर ज़्यादा प्यारा लग रहा है। नहीं भाई और नहीं चाहिए, चलो बासित अब हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं कोई ऐसी शॉप नज़र आए। ये फालसे रेडी वाला है, इसके पास फालसे हैं, फालसों का जूस अच्छा लगता है, लेकिन बहुत चीनी हो, ये खट्टे होते हैं। नहीं बासित आपके खाने वाले तो ये बिल्कुल भी नहीं, आपको टॉन्सिल्स हैं बहुत ज़्यादा। वो देखो एक शॉप है इसमें, ये हम आ गए हैं एक शॉप में, इसमें सारे 50, 100 और डिफरेंट प्राइस की चीज़ें लगी हुई हैं। ये जितनी भी लाइन है ना सारी, यहाँ से वहाँ तक, ये सारी 50-50 है। जैसे ये दिखाती हूँ आपको, ये हो गया ये कैचर, ये सारी चीज़ें, ये 150
वन पीस 50 के, डिफरेंट टॉयस लगे हुए हैं, डिफरेंट प्राइजेस में है। और बासित को तो मिल गया उसकी स्लाइम। चलो बासित बाहर चलें, पापा का फ़ोन आ गया। अब हम दूसरी साइड की तरफ जा रहे हैं, इसके पापा का फ़ोन आया कि मैं पेंचर लगवा रहा हूँ। और बासित देखें इस शॉप में क्या है, ये फ्रॉक्स लगे हुए लेकिन बहुत लंबे लंबे से हैं, मुझे इतने लंबे अच्छे नहीं लगते। हाँ अगर हील पहननी हो तब अच्छे लगते हैं, ये बस ऐसे एम्ब्रॉयडर्ड लगे हुए हैं, टू पीस हैं। इनका जो ट्राउज़र होता है ना वो बहुत जल्दी फट जाता है, मुझे इसलिए नहीं पसंद आते। इन्जॉय कर रहा हूँ, तो बासित के पापा आ गए हैं फाइनली पेंचर लगवा के, अब टूवर्ड द होम रहेंगे। तो सुनते हैं हस्बैंड की ज़बानी इनके पेंचर कैसा लगा था। टूवर्ड बता रहे हैं पेंचर की दुकान ही मिली, बहुत जलील हूँ। अब मैं बासित की कॉपीज़ के लिए ना शीट लेनी थी, ग्रे शीट लेकिन लाइट ब्लू स्काई ब्लू कलर की। इसमें है स्काई ब्लू कलर? नहीं इसमें तो नहीं है भाई, स्काई ब्लू नहीं है भाई, बोल रहे हैं नहीं है बासित, नहीं है इसमें। चलो अब हमें एक दूसरी शॉप पे, इसके पास है स्काई ब्लू, तो हमने ले लिया स्काई ब्लू, 4 कवर लिए हैं बस। फाइनली रीच्ड होम।